हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नवरात्रि के अवसर पर आज हम कुट्टू के आटे और आलू से नमकीन बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुट्टू के आटे से और आलू से नमकीन। नमकीन बनाने के लिए ये हमने उबले हुए दो आलू लिए हैं। इसको मैंने बारीक साइड से कद्दूकस कर लिया है और ये मैंने एक छोटी कटोरी कुट्टू का आटा लिया है। तो आइए बनाते हैं नमकीन। अब मैं आलू के अंदर ये एक कटोरी छोटी कटोरी है कुट्टू का आटा डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी मैं इसमें। काली मिर्च डालूंगी आधी छोटी चम्मच और ये मैंने नींबू लिया है आधा। दो चार बूंदे मैं इसमें नींबू की डाल दूंगी और अब मैं इसे डो को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आटा गूंद कर तैयार करूंगी इसका। मैं दो से तीन बूंदे मैं ऑयल की डालूंगी इसमें और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, एक से दो चम्मच। और इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है नमकीन का। ये देखो कितने अच्छे से गूंदकर तैयार हुआ है। अब मैं दो चार बूंदे फिर ऑयल की डालूंगी हाथ पे और इसके लगा दूंगी डो के। ये हमारा डो तैयार हो गया है। ये मैंने भुजिया मेक कर लिया है और इसको मैं खोलूंगी और इसमें मैंने एक ये वाली मोटी वाली जाली रखी हुई है। अंदर मैं ऑयल लगाऊंगी। मैंने मेकर के अंदर ऑयल लगा दिया है। थोड़ा सा ऑयल मैं इस पे भी लगाऊंगी। जो ये हमारा डो है मैं इस डो को इसके अंदर डालूंगी और साथ ही मैं ये इसको बंद कर दूंगी। ये भुजिया मेकर आसानी से मार्केट में मिल जाती है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। गैस के फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी। और अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। देखो कितने अच्छे से बनी है हमारी भुजिया। और इसे मैं क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। ये हमारी नमकीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये हमारी नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। देखो कितने बढ़िया से। आप भी इसे व्रत में, नवरात्रे के व्रत में ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।